आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, प्रदेशवासी होली की तैयारी में जुट चुके हैं। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दिए हैं, जहां सीएम योगी ने 76 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम 5 कालिदास मार्ग से नई बसों को मुख्यमंत्री रवाना किया है। ये एक्सप्रेस बस हर जिले से गुजरेंगी। इसके अलावा 39 नई साधारण बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 76 बसों को आज मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 बसों को रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसों का नाम रखा गया है राजधानी एक्सप्रेस। सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं पर यूपी को बड़ी ही सौगात मिली है। 76 बसों को रवाना किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ उपस्थित रहे वहां पर। सीधे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं 76 बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए तो आज यूपी को बड़ी सौगात मिली है परिवहन को लेकर। 76 बसों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए नंदिनी, ये स्वर्णिम जयंती है। यहाँ पर परिवहन विभाग का मुख्यमंत्री आवास से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जनपदों से लखनऊ को राजधानी को जोड़ने के लिए 75 बसों को रवाना किया है, हरी झंडी दिखाई। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकती हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बसें हैं अभी नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है। और इस तरह से 75 बसें यानी 75 जनपदों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। और इस संचालन में कहीं ना कहीं दूर दराज से जो भी 75 जनपद हैं जो सुलभता से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं पहुँच पाते थे, उनके लिए सुगम व्यवस्था की गई है, जिस व्यवस्था के तहत वो राजधानी लखनऊ में पहुंच सकते हैं और राजधानी लखनऊ में पहुंचकर वो अपने कार्य काम को अपनी चीज़ों को प्रसिद्धि से कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप तस्वीरों में साफ देखिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये जो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया है। ये पूरे 75 जनपदों की गाड़ियाँ हैं, कोई मुरादाबाद डिपो, गोरखपुर डिपो, बस्ती डिपो, कई कई जगह की गाड़ियां हैं। ये राजधानी एक्सप्रेस सेवा के नाम से ये बसें रहेंगी और ये लखनऊ को सीधे जोड़ेंगी, सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन गाड़ियों को जोड़ा जाएगा। जो भी लोग होंगे उनको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके की जो बस सेवा शुरू की गई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो अब की बार होली का त्यौहार है उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं एक सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। जी बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से देखा जाए जब त्यौहार आते थे तो कहीं ना कहीं जो आम जन है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वहीं पर आज क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने किया है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ा कार्यक्रम आज जो रहा है होली के दो दिन पहले, यानी आज 8 तारीख को होली है, होली के कुछ दिन के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक बहुत बहुत बड़ी सौगात दी है कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचना कुछ जिलों के लिए आसान नहीं था, जिनको अब सुगम बनाया गया है उन 75 बसों के जरिए जो सीधे राजधानी एक्सप्रेस सेवा के तहत और उत्तर प्रदेश की राजधानी को वो पहुँचाएंगी। और राजधानी तक पहुँचने के लिए जो सुगम व्यवस्था की गई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय मुख्यमंत्री आवास पर खड़े हैं और यहाँ पर जो बसें थी उन बसों को रवाना किया गया है। ये जो मंच बना है यहीं से हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा दिखाया और सब बसों को यहां से निकाला गया है। तो ये सबसे अच्छी बात ये होगी कहना कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा यानी बस सेवा है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम के जो कर्मचारी उनके लिए उनकी सराहना भी की। कोरोना काल को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को, कामगारों को परिवहन विभाग की सेवाओं को लगा करके और उनके घर तक, उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये परिवहन विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेशवासियों की ये सौगात दी होली पर, कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों में खुशी की लहर बताई जा रही है। जी रितेश, उत्तर प्रदेश परिवहन स्वर्ण जयंती पर सीएम ने सबको बधाई दी है और एक डाक टिकट भी जारी किया है। जी नंदिनी, बता दूं कि पूरे प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की बधाई दी है और स्वर्णिम जो जयंती मनाई जा रही है परिवहन विभाग की, उसको लेकर भी डाक विभाग द्वारा एक टिकट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर अब ये मुख्यमंत्री आवास से यहाँ से सारी बसों को रवाना कर दिया गया है। अब
आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार यानी परिवहन मंत्री को भी निर्देश भी किए हैं, उन्होंने उनसे कहा भी है कि किसी तरीके से जो ब्लॉक स्तर है और जो निकाय स्तर है और जो राजस्व गांव हैं करीब 1 लाख, उनसे भी बसों को और राजधानी तक जोड़ा जाए, वहां भी बसों की सुगम व्यवस्था को कराई जाए। क्योंकि ये अगर बसों की परिवहन की व्यवस्थाओं को अगर सुधार लिया जाता है तो कहीं ना कहीं रेलवे से भी बेहतर सुविधा परिवहन विभाग दे सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी सराहना करते हुए परिवहन विभाग को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो बस में चालक और परिचालक हैं उनका समय समय पर स्वास्थ्य चेकअप हो, उनका हेल्थ चेकअप हो, और उसके लिए भी एक व्यवस्था के तहत मंत्री को निर्देश भी किए हैं। जी, राजधानी एक्सप्रेस देखा जाए तो पूरे यूपी में किन किन शहरों से होकर गुजरेगी? देखिए नंदी, मैं आपको बता दूं कि राजधानी एक्सप्रेस सेवा जो है वो पूरे 75 जनपदों के लिए की गई है। तो सभी एक्सप्रेस से होकर के उन बसों को निकाला जाएगा, उनका रूट निर्धारित होगा। लखनऊ तक पहुंचने के लिए सीधी बस सेवा होगी, जो राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा है वो सीधी बस सेवा होगी। यानी यदि आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से, यानी 75 जनपद में से किसी भी जनपद से यदि आपको राजधानी लखनऊ पहुँचना है तो उन बसों का पहुँचने का समय लगभग 9:30 बजे बताया जा रहा है, और 5 बजे फिर उन बसों को उनके गंतव्य स्थान के लिए छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि किसी को अपने चीज़ों को लखनऊ में कुछ काम करना है, आना है, या अपने सफर के दौरान आना है, या कहीं से कोई प्रवासी है आना जाना चाहता, तो उसके लिए साफ व्यवस्था, एकदम साफ सुथरी व्यवस्था की गई है। और साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह भी दिया है कि बसों को अब बिल्कुल साफ और सुथरा रखा जाएगा। उनके जो चालक और परिचालक हैं, यदि 9 बजे उनको लेकर के बस को रवाना होना है तो 1 घंटा पहले वो अपने बस के पास पहुँचे और उसकी फिटनेस की पूरी जानकारी लें, उसके बाद बस के शेयरिंग को पकड़ें। और क्योंकि यात्रियों की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बस चालक के ऊपर होती है, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से परिवहन विभाग को शुभकामनाएं देते हुए होली की भी शुभकामनाएं दी, और परिचालक और परिचालकों से ये अनुरोध भी किया है कि वो बस चलाते समय पूरी तरीके से सावधानी भी बरतें। जी रितेश, वहाँ के आम लोगों से, वहाँ पर जो उपस्थित है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है? किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी सौगात दी है? देखिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अभी तो राजधानी में जो ये सेवा शुरू की गई राजधानी एक्सप्रेस सेवा, ये मंच बना हो, यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं, लेकिन जो बसें हैं वो बसों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। इसी जगह से अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा करके बसों को रवाना कर दिया। फिलहाल यहाँ से मुख्यमंत्री अब निकल चुके हैं, और यहाँ पर बृजेश पाठक उप मुख्यमंत्री वो भी निकल चुके हैं, और दयाशंकर मंत्री हैं परिवहन विभाग के, वो भी निकल चुके हैं। बसों को यहाँ से रवाना किया जा चुका है। मंत्री, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।